बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ मोडोमस। उसके लिए ये मैंने बीन ली है, रेड बीन। इनको अच्छी तरह मैंने बॉयल कर लिया, उसमें से एक कप मैंने ये लिए थे बीन। इनको मैंने ग्राइंड किया है और इसमें मैंने एक टेबल स्पून तहनी पेस्ट डाल दिया। ठीक है, तो इसको पकाऊँगी। इसको पकाना नहीं है, इसको मैं ऐसे ही इसमें ये थोड़ी सी मैं ये वाइट मेरे पास पेपर है, सफ़ेद मिर्च ये डाल दूँगी थोड़ा सा इसमें। इसमें थोड़ा सा मैं ये लेमन जूस डालूँगी। एक चुटकी इसमें नमक डाल देना, मैंने गोल्डी पिंच ली है मैंने नमक की। ठीक है, मिक्स कर दूँगी इसे। ये मेरे पास ये बीन है, इसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है, पीस लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के। ठीक है, और इसमें ऑलिव ऑयल डाल देंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। और थोड़े से मेरे पास ये सब्ज़ प्याज है और ये डाल देंगे। ये रेडी है। ठीक है, बस ये रेडी। इसको आप पीटा ब्रेड के साथ, ब्रेड के साथ एंजॉय करें। और इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ। दोबारा ये देखिए, मेरे पास फुल रेड बीन है, इसे लिया है मैंने। और ये मेरे पास रेड चिल्ली सॉस है, ये थोड़ी सी तलहार मिर्च और लहसुन है, इसमें ज़ीरा है, और जो लाल मिर्च गोल बटन वाली होती है वो डाल के इसको मैंने थोड़ा सा सिरका डाल के पीस लिया है। ये लेमन जूस है मेरे पास, और ये प्याज लिया है मैंने, ये टमाटर है, और ये शिमला मिर्च थोड़ी सी ली है। और ये शिमला मिर्च है, ये वाली सब्ज़ मिर्च हैं, ये मैंने काम ही ली है क्योंकि स्पाइस ज़्यादा हो जाना था। ठीक है, और इसमें मैंने ये टमाटर प्यूरी डालूँगी। ये देखिए, मैंने टमाटर पीस लिए हैं थोड़े से। ठीक है, और मेरे पास ये ज़ीरा है, काली मिर्च है, ये नमक है। और इसको मैं पका के मैश करती हूँ, मैं आपके सामने बनाती हूँ। ये एक मैंने सॉसेजेस ब्रेक काट लिया, और मेरे पास थोड़े से चिकन चंक्स थे। पहले मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी बिस्मिल्लाह। देखें, तकरीबन रोस्ट हो गए हैं। देखिए, ये हो गए हैं। इसमें से मैं थोड़े से निकाल के इसमें डाल दूँगी बिस्मिल्लाह। बाकी मैं वो बीन्स में डाल दूँगी। अगर आपके पास चिकन है तो आप इसमें छोटे छोटे पीस चिकन भी फ्राई करके डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। इसमें मैंने फ्राई किए थे, उसी में थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी ऐसे। थोड़ा सा ज़ीरा हो गया, इसमें मैं ये प्याज डाल दूँगी। थोड़ा सा प्याज हो गया, ये मैं गार्निश के लिए रखूँगी। टमाटर ये नहीं डाल दूँगी। ये ग्रीन मिर्च में डाल दी, मैंने ये वाली मिर्च ली थी। ये टमाटर प्यूरी है, ये मैंने लिया, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था टमाटरों को, तीन चार टमाटर लिए। ये देखो, ये ग्राइंड किया, ये बस इसमें ये मैं मिर्च डाल दूँगी। ये काली मिर्च है मेरे, इसमें सीजनिंग है। ये नमक है, ये इसमें मैं ये सिर्फ दो टीस्पून ये वाली डाल दूँगी कि चख लेंगे तेज़ ना हो जाए ना। बिस्मिल्लाह, मोडोमस फूल। ये मिर्च में थोड़ी सी और डालने मुझे कम लगी थी, ये देखिए मैंने चखी है थोड़ी सी ना। ये देखेंगे तकरीबन हो चला, ये देखें इसकी पेस्ट भी थोड़ी सी और पक जाए, फिर इसमें मैं ये बीन डाल दूँ। ये मेरे पास सब्ज़ प्याज है, ये मैं सब्ज़ प्याज थोड़ा सा डालूँगी इसमें। बीन डाल देंगे इसमें,
और इसको मैं मैश कर लूँगी थोड़ा थोड़ा ना ऐसे। ये देखिए मैंने ज़्यादा मैश नहीं किए, आपकी मर्ज़ी है आप इसको बिल्कुल मैशी कर लें। मैंने वो वाले मैशी किए थे जो मैंने आपको पहले प्याली में दिखाई हैं, वो मैंने मैशी कर ली। इसको थोड़ा मैंने चंकी रखा है, ये देखें ऐसे ना। ये मैं एक टेबल स्पून इसमें लीमू का जूस डाल दूँ। ये इसको मैं चम्मच से भी मैश कर रही हूँ ना इसको, और थोड़ी देर में इसको ढक दूँगी ज़रा, और थोड़ा सा इसका ना फ्लेवर निकल के आ जाए। ये देखिए मैंने इसको फिर भी अच्छी तरह से मैश कर लिया है, अभी भी कुछ कुछ चंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसको फिर ऐसे ही रहने देंगे। देखिए अगर चाहते हैं तो आप हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं इसको ना। और ये रह रही है लगाने लगी इसमें। ये देखिए ये डन हो गया। ये टोटली ऑप्शनल है, आपने डालना ठीक है, नहीं डालना तो इसको स्किप कर लें ठीक है। मैं डाल दी और बस इसको डिश आउट करेंगे थोड़ा सा मिक्स करके, अब डाल देंगे कुछ ऊपर से डालेंगे और इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह मैं इसमें करूँगी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने डिश आउट कर लिया। ये इसके ऊपर मैं ऑलिव ऑयल डालूंगी थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा सा प्याज डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब्ज मिर्च डाल लें, टमाटर डालें, डालेंगे इस पर कहीं कहीं तो पीटा ब्रेड के साथ आप खाएं, जिसके साथ मर्जी खाएं बनाएं इसको, जो ट्राई करें मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।